मैं हूं पुष्पेंद्र व्यास और स्वागत है आपका विषम विरोधा YouTube चैनल पर। जैसा कि अपन ने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि इस चैनल के ऊपर आपको रीट साइंस का पूरा सिलेबस सरल शब्दों में पढ़ाया जाएगा। साइंस का सिलेबस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आ गई है। फिजिक्स में अपन ने पढ़ा था, फिजिक्स में अपन ने गति और बल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। उसके बाद अपन ने भौतिक राशियां पढ़ा, भौतिक राशियों के अंदर मात्रक पढ़ा, फिर ये कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा है विस्थापन समय पढ़ा, यानी कि सदिश अदिश पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, दूरी पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। उसके बाद अपन ने विस्थापन समय आरेख बनाए थे, उस आरेख से अपन ने स्पष्ट किया कि विस्थापन समय आरेख वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय आरेख किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? वेग को प्रदर्शित करता है। और जब वेग और समय का आरेख बनाया जाए, वेग और समय का आरेख, ये दोस्तों इधर वेग लिया मैंने, इधर समय लिया, ये वेग समय जो आरेख है वो दोस्तों त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण एक नई भौतिक राशि आ गई है दोस्तों, त्वरण एक नई भौतिक राशि आ गई है। वेग समय आरेख त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्या है इस बिंदु पर, इस बिंदु की बात किया जाए तो यहां से चलना शुरू किया है, समय भी बढ़ा है, वेग भी बढ़ा है। इस बिंदु की बात करें, यहां पर भी समय भी बढ़ा है और वेग भी बढ़ा है। अर्थात कोई वस्तु यहां से चल रही है, ऐसे प्रदर्शित हो रही है, तो वो समान त्वरण से गतिशील हो रही है। सीधी सी बात ये समझना है, वेग समय आरेख किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। त्वरण प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण a बराबर होता है वेग समय ग्राफ का tan थीटा, मतलब इसका और इसका अनुपात। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इससे अपन बना सकते हैं त्वरण, त्वरण को a से प्रदर्शित करेंगे, त्वरण को a से प्रदर्शित करेंगे और ये होता है वेग अपॉन समय। यहां पे यदि अब इसकी दो तीन बातें फैक्ट्स जो है वो समझ लेते हैं। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, दिशा की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों वेग की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और समय की सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड। अगर इसको सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड, नीचे वन लिखेंगे ये ऊपर आएगा, तो त्वरण की इकाई हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इकाई है दोस्तों त्वरण की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे त्वरण को अपन ने पढ़ लिया है, ये फॉर्मूला यहां तक ठीक है। इसको बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं v / t, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्या है, इसमें इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, v माइनस यू इज अपॉन टी बराबर ए त्वरण, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, v माइनस यू अपॉन टी, ध्यान रखता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी बराबर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें v क्या है, v बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग को v कहा जाता है, u को प्रारंभिक वेग कहा जाता है, प्रारंभिक वेग, और t यहां पे समय। अगर ये सारी चीजें हैं तो अपन त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। कोई व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और 2 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो आराम याद कीजिए। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा? कोई व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, 2 सेकंड बाद उसका वेग उधर हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड, तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला v माइनस u / t = a, यहां पे प्रारंभिक वेग सबसे कितने वेग से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड के, ये आ गया अपना u, फिर 2 सेकंड बाद t बराबर 2 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग v, फॉर्मूला रखिए और अपनी वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो, फॉर्मूला है v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड, 4 रखा, माइनस u, u की वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकंड, अपॉन t क्या है 2
सेकंड ये लो कितना आ गया तुरंत a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2 अपॉन 2 बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास को क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं आता है आपको क्वेश्चन तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे दिए हुए हैं ऊपर, उस पर आपको आंसर मिल जाएगी अगर नहीं आ रहा हो तो। इसके बाद अपन पढ़ना शुरू करते हैं गति। अब आया है गति का भाई, गति क्या है? जैसे अपने जहन में दिमाग जहन में ये वर्ड आता है गति, गति आती है अपने दिमाग में आता है गति। मैं ये पूछूं आपसे गति क्या होता है, छोटे बच्चे से पूछा जाए गति क्या होता है थर्ड फोर्थ क्लास का, तो वे यही बोलेगा तुरंत चलना फिरना दौड़ना उठना बैठना गाना, ये सारा सारा गति है। अगर सिस्टमेटिक भाषा में अगर बोला जाए तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति से कहते हैं समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब गति सारे के सारे करते हैं, कोई छोटा बच्चा समय के साथ बड़ा हो रहा है वो भी गति कर रहा है, अपन चल रहे हैं गति है, पेड़ पौधे भी बड़े हो रहे हैं वह भी गति है, सारा का सारा आप समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड गति के बारे में न्यूटन ने नियम दिए, न्यूटन नाम का साइंटिस्ट हुआ, उसने गति के नियम दिए। गति के तीन नियम दिए, प्रथम नियम द्वितीय नियम तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि जानने की बात है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। कभी कभी इसको ऐसे बोला जा सकता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। प्रथम नियम, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व, क्योंकि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, यानी कि वो जड़ हो गई वस्तु। जड़ का मतलब क्या होता है? स्थिर, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। एक और नया शब्द, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ये गति का प्रथम नियम है। और ये जड़त्व का जो नियम है या न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, ये नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। याद रहे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जड़त्व का नियम किसने दिया तो गैलीलियो ने दिया, और अगर ऐसा पूछा जाए कि गति के नियम किसने दिए तो वह उसका आंसर न्यूटन होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद क्या है, ये जड़ के बारे में बता रहा है, स्थिति के बारे में परिवर्तन का विरोध करता है ये नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के, इससे ये सिद्ध होता है कि कब तक विरोध करेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। अर्थात प्रथम नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है, बल की परिभाषा को, परिभाषा को। गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये बल की परिभाषा को निरूपित करता है, और इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु है वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। दो तीन जल्दी जल्दी से इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर अपने दैनिक जीवन के हो तो वो अपने को याद ले जाते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल, अपन बस में बैठे हुए हैं, बस भी रुकी हुई है, दोनों स्थिर अवस्था में, और अचानक से बस चलना शुरू करे, क्या होगा? खुद फील कीजिए वो बात। जैसे बस चलना शुरू होगी अपन एकदम से पीछे झटका खाएंगे, खाएंगे, यही अपन जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बस चल रही है, अपन बस के साथ है, बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, अपन स्थिर है लेकिन उस गति की दिशा में अपन भी आगे बढ़ रहे हैं, बस के साथ साथ अपन भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई गाय आगे आ गई और ब्रेक लगा तो अपन क्या होंगे? तुरंत आगे गिर जाएंगे, यानी कि अपनी गति का जो अवरोध आया है उसको अपन सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और अपन आगे गिर जाएंगे। इसीलिए इसका उपयोग एक और शानदार कहां होता है, इस नियम का पता चलने के बाद गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट लगाए जाते हैं, सीट बेल्ट, ताकि एकदम से ब्रेक लगे तब अपन आगे टकरा के अपन चोटिल नहीं हुए, इसीलिए सीट बेल्ट लगाए जाते हैं।
और उपयोग कहाँ है, ऐसे अनगिनत से उपयोग है, आप खुद समझिए इसको। इसके बाद अपन आगे जानते हैं दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार, इस गति के दूसरे नियम को पढ़ने के लिए अपने को एक राशि है संवेग, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो संवेग क्या होता है वो पढ़ते हैं, या फिर इसको ये है, थोड़ा और बता देता हूं इसका, थोड़ा आगे भी है। जो जड़त्व है, जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है, जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है, इसको बेटा के आगे बताता हूं। जड़त्व अपन पढ़ रहे हैं गति का प्रथम नियम, और प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व जो है, जड़त्व तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, का जड़त्व। नाम से समझ में आता है स्थिर है और उसको गति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। दूसरा गतिशीलता का जड़त्व, पहला ये है, दूसरा गतिशीलता का जड़त्व, गतिशीलता का, गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता का जड़त्व का मतलब समझ में सीधा सीधा अपने को आ रहा है कि गतिशीलता का मतलब गति में है और अपन रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो रुकने का अपन विरोध करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे, वही है गतिशीलता का जड़त्व। उसके बाद आता है तीसरा नंबर का है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। इसका एग्जाम्पल भी मैंने नहीं बताया है, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व कहाँ होता है देखो, फील कीजिए, अपन गाड़ी लेके जा रहे हैं और मुड़ाव पर एकदम से ऐसे टर्न लिया अपन ने, मुड़ाव है, गाड़ी को घुमाया और गाड़ी अगर रफ्तार से है तो अपन क्या होगी, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी उधर गिर सकती है, वही है अपन दिशा का विरोध कर रहे हैं। जिस दिशा में जा रहे हैं स्पीड से गाड़ी, तुरंत ऐसे मुड़ने की कोशिश करी, ऑब्वियसली गिरेगी, उसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। सेकंड नियम स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे कहा जाता है, जिस नियम द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ये नियम सबसे पहले तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि इसके अंदर एक संवेग राशि होती है, संवेग, संवेग को समझना पड़ेगा। संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त होती है, गुणनफल से प्राप्त होती है, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का अगर गुणा किया जाए तो संवेग प्राप्त होता है। संवेग क्या है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये बहुत ही गजब की भौतिक राशि है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग को निरूपित करता है, संवेग। इसका यदि अपन क्या सीखा, द्रव्यमान और वेग, वेग है दोस्तों, वेग दोनों का गुणा किया जाए तो अपन संवेग को प्राप्त करते हैं। इसका अगर अपने को यूनिट निकालना हो तो द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम इंटू वेग की मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी किलो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट, ये अपने ध्यान देने की जरूरत है। और इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार है क्या कि किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, या ध्यान देने वाली बात है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपात होता है, डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, दोनों में से कैसा भी बोल सकते हैं अपन। संवेग में परिवर्तन को डीपी बाई डीटी भी बोल सकते हैं या पी बाई डीटी भी बोल सकते हैं, संवेग को अपन पी से प्रदर्शित करते हैं, यदि इसकी वन ले लूं तो f इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास p upon t। p दोस्तों क्या है, ये m into वेग को v लिखते हैं, p इज इक्वल टू mv, mv upon t दोस्तों m, ये और ये जो राशि दिख रही है आपको, ये v upon t, v upon t क्या होता है, a होता है, a का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ma बल,
बल का फॉर्मूला दिया है, जहां कहीं भी अपने को बल ज्ञात करना होगा वहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे F = ma। इस बात से स्पष्ट है दोस्तों, क्या स्पष्ट है कि गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है वह बल की परिभाषा को निरूपित करता है या व्यक्त करता है, और उसका जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। प्रथम नियम का, प्रथम नियम जो था वो उसके अनुसार जो जड़त्व है किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना। जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। सेकंड बात, ये बात कर रहे हैं अपन द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और इससे जो रिजल्ट आया है F = ma ये इस बात को निरूपित करता है, या फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों बल की मात्रा को कौन प्रदर्शित करता है, कौन परिभाषित करता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। या ऐसे कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम गणितीय परिभाषा देता है बल की, बल की गणितीय परिभाषा देता है। दोस्तों अब ये कहां काम आता है F = pt, अब अपन जानते हैं pt F = pt जो है ये वाला जो आंसर आ रहा है अपना, ये दोस्तों ये बहुत काम की चीज है, इसी से अपने को रियल एग्जांपल मिलेंगी। देखो हमेशा अपॉन वाली चीज बढ़ती है, बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये कम हो जाता है, और अगर इसको कम किया जाए तो ये बढ़ जाता है बल। जैसे कि क्रिकेट के अंदर सबसे लोकप्रिय एग्जांपल इसका क्रिकेट ही है। क्रिकेट के अंदर कोई भी खिलाड़ी है उसके पास कैच आ रहा है, वो क्या करेगा, हाथ को आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा? दोस्तों हाथ को वो पीछे खींचेगा, समय को बढ़ाएगा, समय को जो गेंद है उसका द्रव्यमान m और वेग का गुणनफल p है, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ये तो फिक्स है, ये चल ही रहा है, लेकिन t यदि मैं उसको पकड़ के पीछे खींचूंगा, उसका वेग शून्य होने के लिए पीछे खींचूंगा तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा तो दोस्तों बल कम हो जाएगा और अपने हाथों के ऊपर चोट नहीं लगेगी। यदि मैं ऐसे करके ये ऐसे कर दूं तो क्या लगेगा, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो इसका मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो अपने हाथ चोटी हो सकते हैं, लग भी सकती है। सेकंड एग्जांपल, दूसरा एक और एग्जांपल समझ सकते हैं अपन, छत से कूदना चाह रहे हैं, छत से जब कूदेंगे और समतल फ्लैट है नीचे तो क्या होगा, समय बहुत कम लगेगा, अपन तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, अपने पैरों की चोट आ सकती है, लेकिन उसी के स्थान पर जमीन के स्थान पर अगर अपन रेत डाल देंगे अपन कूदेंगे तो क्या होगा, अपना वेग शून्य होने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अपन अंदर रेत के अंदर गदेंगे, थोड़े से अंदर जाएंगे, वेग शून्य होने में समय ज्यादा लगेगा, समय बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा और अपने कम लगेगी। ये इसका एग्जाम्पल, इसके अपन न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। इसके बाद तीसरा नियम दोस्तों क्या होता है, तीसरा नियम को अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार प्रकृति के अंदर प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम के हजारों एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में क्या है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है, समान बराबर किंतु विपरीत क्रिया होती है जिसे प्रतिक्रिया कहा जाता है, और यह नियम जो है वो दोस्तों बल की दिशा को निरूपित करता है, बल की दिशा को परिभाषित करता है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने जैसी है। गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जितना वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है उतना ही उसका जड़त्व का गुण ज्यादा होगा, और वह बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो कि गैलीलियो ने दिया था
वह बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, F=ma। और गति का दूसरा नियम बल की गणितीय परिभाषा देता है, या फिर ऐसे कहें कि बल का गणितीय मान देता है। गति का तीसरा नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जाना जाता है, इस नियम के अनुसार प्रकृति के अंदर प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यह नियम बल की दिशा को परिभाषित करता है। अब इसके एग्जांपल कहाँ है, दोनों के एग्जांपल पढ़े हैं, इसके एग्जांपल कहाँ है दोस्तों? एक एग्जांपल तो अपन मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ, मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, चलते कैसे ध्यान से फोकस करना, मैं यहाँ जैसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ अपन अपने पैरों से धरती को पीछे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, धरती को पीछे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान पृथ्वी का ज्यादा है इसलिए पृथ्वी तो नहीं हिल रही, लेकिन उसके एवज में पृथ्वी अपने पास बल लगा रही है अपने ऊपर और अपने को आगे धकेल देगी। चल की कोशिश कीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल तो ये, अपन पैरों से पैशी बल से क्रिया बल लगा रहे हैं, पृथ्वी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पृथ्वी अपने ऊपर प्रतिक्रिया बल लगा रही है और अपने को आगे धकेल रही, अर्थात इससे एक बात स्पष्ट होती है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या होता है, समान होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसके एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, आप नाव में बैठे हैं, नाव में क्या पानी को खरपतवार से पीछे, पतवार से पीछे धकेलेंगे, पानी उसी वजह में अपने को आगे धकेल देगा दोस्तों। पृथ्वी वहां पानी में तैर रही नाव, पानी को अपन पीछे धकेलेंगे अपन आगे जाएंगे, यदि पानी को आगे धकेल दिया जाए तो अपन पीछे जाने लग जाएंगे। वही नाव का एक और एग्जांपल है दोस्तों, वही नाव का एक और एग्जांपल है, नाव से जब उतरते हैं तो नाव को बांध कर क्यों रखते हैं, यही पे क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है। नाव को बांध के इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब नाव से अपन उतरने की कोशिश करेंगे तो नाव को अपन पीछे धक्का देंगे, और अगर बांध के नहीं रखा तो नाव वास्तव में पीछे चली जाएगी और अपन गिर जाएंगे मुंह के बल, तो वहां पे उस चेन द्वारा उस नाव को बांध के रखते हैं ताकि वो पीछे ना जाए और वो अपने पर प्रतिक्रिया बल लगाए और अपन तुरंत नाव से बाहर निकल जाए दोस्तों। ये बात है, एक और एग्जाम्पल कहाँ है दोस्तों, इसके बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है। एक और बंदूक से अपन ट्रिगर दबाते हैं, गोली चलती है, जब भी गोली चलती है दोस्तों तो अपने पीछे एक धक्का लगता है। जब भी पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग होती है तो बताते हैं कि बंदूक का जो पीछे वाला सिरा है यहाँ कंधे पे रखना या फिर यहाँ ऐसे दबा के रखना ताकि अपन गिरे नहीं, धक्का पीछे लग रहा है गोली आगे जा रही है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है ये दोस्तों, गति के नियम के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और अधिक ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, पहला क्वेश्चन जैसे लिख रखा है, ये मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, आंसर फास्ट कैसे है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। देखो इसमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान m = दे रखा है 5 kg दे रखा है, और क्या दे रखा है, वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य करता है, समय t = कितना दे रखा है 2 सेकंड, और क्या दे रखा है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर, मतलब पहले वेग इसका क्या है u दे रखा है, u कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, और फिर कितना अंतिम वेग कितना है v बराबर दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड। दोस्तों जो फॉर्मूला ज्ञात किया था अपन ने गति का द्वितीय नियम, देखो मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है, द्वितीय नियम F=ma, और यहाँ पर a क्या है, m क्या है, ये द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है दोस्तों, त्वरण a का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था पहले अपने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा है, उसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसमें क्या लिखना है, a = क्या लिखकर कहा है v - u/t, ये त्वरण को निरूपित करता है, अंतिम वेग - प्रारंभिक वेग / t, वैल्यू लिखेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा।
F is equal to क्या है? M कितना है? 5 into A. A की जगह पे formula. V. V कितना दे रखा है? 7 minus U. U कितना दे रखा है? 3 upon T. समय कितना दे रखा है? 2 second. दोस्तों इसको solve करेंगे F की value आ जाएगी. F is equal to 5 into 7 में से 3 को minus किया कितना? 4. 4 में 2 divide किया 2. F is equal to दोस्तों 10 न्यूटन बल का मात्रा